हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में 40 सीटें जीत रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वह सफेद झूठ बोल रहे हैं। नालंदा से जीत का विश्वास जताते हुए मांझी ने कहा, इंडिया गठबंधन का नालंदा से जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग हर हालात में नालंदा जीतेंगे और काफ़ी वोटों से जीतेंगे। पिछली बार से भी अधिक वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे। राजद प्रवक्ता मनोज झा के उस बयान पर पलटवार करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को प्रायश्चित के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, पर मांझी ने कहा कि हम हर बेतुकी बात का जवाब नहीं दे सकते। वे सब बेतुकी की बातें कर रहे हैं। जीतनराम मांझी श्रवण कुमार और लवली आनंद के साथ चुनाव प्रचार करने काराकाट गए थे। वापस लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर श्रवण कुमार को नालंदा में उतारने के लिए रुका था। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। वही श्रवण कुमार ने कहा, एनडीए में कोई बौखलाहट नहीं है, हम आराम से चुनाव जीतेंगे। अभी तक 6 चरणों के मतदान हुए हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी। श्रवण कुमार ने कहा, एनडीए की दिल्ली में सरकार बनना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष जो भी कहे, लेकिन हमने जनता के लिए बहुत काम किया है। इतना यही जोड़िए कि सफेद झूठ वो बोल रहा है। यहाँ से जीतने का कौन सवाल है? नालंदा से, नालंदा हम लोग हर हालत में जीतेंगे और काफ़ी वोट से जीतेंगे। पिछले साल जितना जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जो सर मनोज झा जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, लेट हो रहा है, क्या है, जितना पाप किया प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उन लोगों के हर बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्या कहेंगे राज्य? वो लोग सब बेतुकी बात बोलते हैं, उनका जवाब हम लोग नहीं दे सकते। वो लोग कह रहे हैं कि 400 से पार नहीं बल्कि 200 से कुछ रहेगा, लेट हो रहा है, स्टार्ट करना है। यही तो कह रहे हैं कि उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बेतुकी बात है। हम लोग हर हालत में 400 पार हो रहे हैं और बिहार में हम लोग 400 से जीत रहे हैं। सर आरजेडी के मनोज झा जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रायश्चित करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे भाई, किसी को बोलने में रुकावट है? कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो काम किया है हम लोगों ने, कोई घर बचा है जिसमें पैसा सरकार का नहीं जा रहा है, सरकार का सुविधा नहीं जा रहा है? हर बच्चे आज स्कूल में जो सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनको पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, उनको मध्याह्न भोजन के लिए, साइकिल के लिए पैसा, और उनको मैट्रिक में पास करने पर, इंटर में पास करने, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया ग्रेजुएशन करने पर उनको मिल रहा है। वो तो पता चलेगा 4 तारीख के बाद। कोई बौखलाहट नहीं है, स्मूथली हम लोग चुनाव जीतेंगे। और अभी तक 6 चरणों के चुनाव हुए हैं, 6वें चरण के चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। एनडीए की सरकार